हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग लिकोराइस यानी कि मुलेठी पाउडर से फेस पैक बनाएंगे। ये फेस पैक आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है। ये हमारे एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये हमारे एनलार्ज पोर्स को श्रिंक करता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये हमारी स्किन को डीप क्लीन और डिटॉक्सीफाई करता है और साथ ही हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमें एक्ने, पिंपल्स होने से भी बचाता है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी डल स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए लिकोराइज फेस पैक बनाना शुरू करते हैं। लिकोराइज यानी कि मुलेठी पाउडर फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें ये 2 चम्मच मुलेठी पाउडर डालेंगे। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गर्मियों में सन एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन पर कभी कभी डार्क स्पॉट्स और टैनिंग हो जाती है, जिससे कि हमारी स्किन अनइवन सी दिखाई देने लगती है। लिकोराइज पाउडर में यूवी ब्लॉकिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं। साथ ही इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमारे हाइपर पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 पिंच कस्तूरी हल्दी डालेंगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमें किसी भी तरीके के इन्फेक्शन, एक्ने, पिंपल्स होने से बचाती है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर बहुत ज़्यादा रेडिएंट भी बनाती है। और अब हम इसमें ये 1 चम्मच हनी यानी कि शहद ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही एक बहुत अच्छा माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है जो कि हमारी डेड स्किन रिमूव कर स्किन को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। ये हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है और साथ ही हमारे डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 2 चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है। ये हमारी स्किन को डीप क्लींस कर एनलार्ज पोर्स को श्रिंक करती है, ड्राई स्किन को हाइड्रेट करती है और साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती हैं। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा फेस पैक बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद फेस पैक लेकर इसे अपने फेस और नेक एरिया पे थिन लेयर में इस तरह अप्लाई करें। और इस तरह अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह लगा छोड़ दें ताकि अच्छे से सूख जाए। तो 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि फेस पैक अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस फेस पैक के यूज करने के तुरंत बाद ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा लाइटन, ब्राइटन और वाइटन नजर आएगी। आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सनटैन और ओपन पोर्स की समस्या दूर हो जाएगी। आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा और साथ ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। पर मेक श्योर कि अगर आप इस फेस पैक के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार तो अप्लाई ज़रूर ही करें। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।